कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, अभी ये क्या चीज है? ठीक है, अभी हमने जो देखा था वो कूलम्स का एक लॉ देखा था, एक इक्वेशन देखा था, अगर दो चार्जेस है मेरे पास क्यू वन क्यू टू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, तो वहां पे जो इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है उसका इक्वेशन देखा था, एफ इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ये सेम चीज वेक्टर्स के टर्म्स में पढ़ना चाहता हूं तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो डे टू डे एप्लीकेशन है वहां पे वेक्टर्स फॉर्म के साथ जो मेरा बेसिक लॉ है उसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज हमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये सारी चीजें लगती है। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं जो रफ वर्क पहले कर रहा हूं वो पहले आप समझ के लो कि ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो फिर सबसे पहली चीज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर मेरे पास है तो बेस्ट है ना, तो मिनिमम मेरे पास एक्सिस होने चाहिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस लिए, तीन एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपने ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जितने भी चार्जेस इन्वॉल्व करने आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग दो चार्जेस के बारे में ही बात करेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मान लो अगर हम लोग कहाँ पे भी है ना, थ्री डायमेंशन में अगर हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हम लोग जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या ज्योमेट्री यूज करने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जेड ये तीन एक्सिस में यूज करने की कोशिश करते हैं, मान लो जहां पे भी आप बैठे हो वो रूम में चार्जेस को आपने कहाँ पे भी रखा, तो कोई तो एक कॉर्नर घर का कंसिडर करो और वो कॉर्नर को अगर आप ओरिजिन कंसिडर करते हो तो वहां से आप वो चार्ज के एग्जैक्ट पोजिशन उसकी डायरेक्शन जहां पे भी है वो आप बता सकते हो, है ना। तो मान लो ये जो मेरे पास एक्सिस है, मेरा फर्स्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे किधर तो है, कहाँ भी ले सकते हो आप चार्ज, यहाँ लो जहां पे भी आपको लेना आप ले सकते हो। ओके, तो पहला मैंने यहाँ पे रखा चार्ज, अभी अगर एक कॉर्नर आप कंसिडर करते हो, ओरिजिन कंसिडर करते हो, यहां से अगर मुझे पता करना है कि ये चार्ज कहाँ पे है तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है ना, मुझे इससे क्या पता चलेगा उसका डायरेक्शन किधर है वो या वो कहाँ पे स्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप दूसरा चार्ज लो, ओरिजिन से देखो वो कितनी दूरी पे है, ये हमें पता चला है ना। तो यहां से यहां तक का अगर आप डिस्टेंस लेते हो, लेट दैट डिस्टेंस इज आर वन, एंड अगर डायरेक्शन के साथ मुझे चाहिए तो आर वन वेक्टर, सेकेंड का भी मिला मुझे आर टू वेक्टर, तो जो चार्जेस है दोनों का नाम दो, क्यू वन क्यू टू है ना, दोनों के बीच में भी एक वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप अगर Q1 से Q2 तक जा रहे हो तो ये क्या होगा आपका R12 वेक्टर, R22, या फिर अपोजिट पे जा रहे हो तो जो भी है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा A और B पोजीशन के बीच में। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गई। अभी मेरे पास क्या है, फोर्स को वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है, तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो यूनिट वेक्टर अगर मेरे पास है, अगर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर अपॉन फोर्स के हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो एफ वेक्टर इज इक्वेलेंट टू एफ इनटू एन कैप, है कि नहीं, ये इक्वेशन है मेरे पास, ये यूटिलाइज करना है हमें। तो ये तो जनरल आइडिया हो गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दो मार्क तीन मार्क के लिए पूछा, कभी कभी ऐसा कंबाइन करके पूछते हैं, डिफाइन कूलम लॉ उसका वेक्टर फॉर्म लिखो दो मार्क या तीन मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो फिर इतना मुझे पता होना चाहिए। एनीवेज, सबसे पहले देखते हैं इसका फेज डायग्राम कैसा होना चाहिए। एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है मेरे पास ओरिजिन है, मेरे पास दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। सो अभी ए से बी तक जो वेक्टर जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं आर वन टू वेक्टर। अभी यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, एफ टू वन वेक्टर एंड एफ वन टू वेक्टर, ये चीज को आप सही ढंग से समझ लो, अगर ये नहीं समझा तो आगे जाके जो अजम्पशन हम लोग लेने हैं वो डिफिकल्ट होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एफ वन टू वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो क्यू वन के ऊपर क्यू टू के वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं एफ वन टू वेक्टर। वन मोर टाइम, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू, मतलब Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वजह से Q1 के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं F12 वेक्टर। सिमिलरली F21 वेक्टर है हमारे पास, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको हम लोग बोलेंगे F21 वेक्टर। अभी हमें ये स्टडी करना है F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर में कुछ रिलेशन है क्या, यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा कुछ आ रहा है क्या, और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वाला वो यहाँ पे सॉल्व होता है क्या या यूज होता है क्या। तो मैंने तो अभी डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हो तो उसका नाम भी लिखना होता है, लेबल लिखना होता है, एग्जामिनर आपके पेपर में लेबल सर्च करेगा अगर वो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर अगर आप लिख के आ रहे हो। एनीवेज, अभी डेरिवेशन देखते हैं या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरे पास क्या है,
सबसे पहले अभी मैंने जो बोला है रफली उसको फेयर वर्क मुझे पहले करना पड़ेगा, तो पहले दो पॉइंट्स पे वो कर रहा हूं। लेट आर वन वेक्टर है OA वेक्टर विच इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 कहां पे उसका पोजिशन वेक्टर, R2 वेक्टर है मेरे पास OB वेक्टर, ये क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 है ना। अभी वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, अभी Q1 से Q2 तक अगर कोई भी वेक्टर जा रहा है तो उसको हम लोग AB वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये केस स्पेसिफिक केस में AB वेक्टर विच इज इक्वल टू R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर को अगर सॉल्व करके लिखना है तो उसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। और अगर मुझे R12 का मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड R12 के टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर का। सिमिलरली वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 तक जो वेक्टर जा रहा है उसको हमने नाम दिया BA वेक्टर, B से A की तरफ जा रहा है, चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ जा रहा है, सो R21 वेक्टर इक्वल्स टू इसको सॉल्व करो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय R21, ओके। यहां तक मैंने क्या किया, मुझे जो इक्वेशन अप्लाई करना है उसके लिए जो बेसिक चीजें मुझे लिखनी है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, अभी हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो उसको हम क्या बोलेंगे F21 वेक्टर, यहाँ पे अभी हमने चेक किया है, ओके सो F21 वेक्टर है मेरे पास, सो R12 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2 है ना, सो F21 वेक्टर अपॉन F21, सो मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ये एक साइड पे लेके आओ, रिमेनिंग टर्म्स अदर साइड पे लेके आओ, सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 R12 क्या, F21 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4π ε0 k, और यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है ये हम लोग एयर या फिर वैक्यूम में रखने वाले हैं, ओके सो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R12 वेक्टर, और R12 कैप की जगह पे हम लोग लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R12, ओके। रीअरेंज करते हैं अगेन, R12 स्क्वायर है और ये R12 है तो अल्टीमेटली R12 का क्यूब बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन R12 के जगह पे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए का क्यूब, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा R2 माइनस R1, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली ये पूरी प्रोसीजर रिपीट करके हमें और एक आंसर मिलेगा, वो होगा F12 के लिए, दैट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो उसका डायरेक्टली फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं सेम होगा 1/4π ε0 Q1 Q2, सिर्फ नीचे क्या चेंज होगा, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये लिख दिया मैंने, तो ये बन गया सिमिलरली मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर, है ना, दो वेक्टर्स है एक स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव सिंबल, देयरफॉर कूलम्स लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक टू मार्कर क्वेश्चन पढ़ा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ सुपरपोजिशन। अभी ये क्या फंडा है, ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा था, वेक्टर फॉर्म देखा था कूलम्स लॉ का, तो वहां पे हम लोग ने दो चार्जेस के बारे में डील किया था। अभी मान लो दो से ज्यादा अगर चार्जेस है तो, है ना, तो मेरे पास अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होनी चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस है मेरे पास, और मैं एन नंबर ऑफ चार्जेस रख सकता हूं। सपोज मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है और ये अलग अलग चार्जेस है, और ये सारे चार्जेस की वजह से ये जो चार्ज है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी जो चार्ज को आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर देख रहे हो इफेक्ट। सो ये है मेरा टेस्ट चार्ज जिसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पे क्यू नॉट की कोई तो पोजीशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और बाकी के चार्जेस इसके ऊपर क्या इफेक्ट दे रहे हैं यह हमें देखना है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक फेयर डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मेरे पास डायग्राम है, एक्स वाई जेड एक्सिस है मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग तीन चार्जेस का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर एन नंबर ऑफ चार्जेस, लेकिन कितना ड्रॉ करोगे, तो
तो डायग्राम की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, तो उसके लिए हम लोग तीन चार्जेस ले रहे हैं। सो क्यू नॉट इज द चार्ज जिसके ऊपर हमें इफेक्ट निकालना है। क्यू नॉट का पोजिशन वेक्टर अगर मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक्स वाई जेड ये तीन एक्सिस है। सो आर जीरो वेक्टर ये पोजिशन वेक्टर होगा क्यू नॉट का। अभी हम लोग देखते हैं, पहला चार्ज है मेरे पास क्यू वन, इसको मैं बोलता हूँ आर वन वेक्टर पे ये लोकेटेड है। मेरे पास दूसरा चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं आर टू वेक्टर पे ये लोकेटेड है। तीसरा चार्ज जो है वो आर थ्री वेक्टर पे लोकेटेड है। अभी हमें क्या करना है, क्यू वन की वजह से क्यू नॉट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखना है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो ये मुझे क्या इफेक्ट देगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन। सो एफ जीरो वन वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये निकाल सकते हो आप क्यू टू के वजह से, तो इसको नाम देते हैं एफ जीरो टू वेक्टर, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू। तीसरा लेते हैं, यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे आप, है ना, तो एफ जीरो थ्री वेक्टर, सो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू थर्ड। तो ये बन गई मेरी डायग्राम। अभी हमें क्या यूज करना है, तीनों को ऐड करना है। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो दो या तीन मार्क का आता है, तो ये दो या तीन मार्क तभी आपको मिलेंगे जब आप इसका स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका डेरिवेशन का एस्पेक्ट लिखोगे। अभी आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे जब भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए जब ये लेक्चर सीरीज अपलोड की जाएगी तो वो टाइम पे आपको ये सब बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशंस के ऊपर बात होगी, डायरेक्टली शॉर्टकट्स यूज किए जाएंगे। और वो टाइम पे अगर मैंने वर्ड यूज किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपके दिमाग में ये सब पिक्चर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बोला तो वो जो प्रीवियस वाला डेरिवेशन है वो पूरा आपके दिमाग में आना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला तो वो क्या है वो पूरा आपके दिमाग में आना चाहिए, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। तो इसलिए हर एक चीज इतनी डिटेल में लिख जा रही है। ये जो लेक्चर्स है बोर्ड्स के लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से मुझे आते हैं तो वहां पे एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड आप यूज कर सकते हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर प्रॉपर आइडियोलॉजी यूज करके। एनीवेज, तो यहां पे हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट सर्टन इंस्टेंट टी। यहां पे देखो ये जो सारे चार्जेस है ना ये अपनी अपनी जगह पे है, दैट्स व्हाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं ना। कोई भी चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, एक चार्ज कंसिडर किया उसके ऊपर बाकी के चार्जेस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पहली स्टेप है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग आगे जाके लेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें जो चाहिए वहां के लिए हम लोग अप्रोच सेट करके रख रहे हैं। एनीवेज, तो यहां पे फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहां पे एक चीज ध्यान में रखो, यहां पे ये चार्जेस जहां पे भी लोकेट कर रहे हैं तो यहां पे ऐसा एज्यूम किया जाता है Q1 की वजह से Q0 के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर ये Q2 Q3 या बाकी के चार्जेस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज तो आप बोलेंगे ये चार्जेस को आप नजदीक रखोगे तो रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन यहां पे कुछ अजम्पशंस भी है, समझ रहे, अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डेरिवेशन की तरफ जब आप मूव करेंगे तभी आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में क्या लिखोगे, लेट एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज आप याद कर रहे हो बाय हार्ट कर रहे हो। नो, डायग्राम देख के एक दो पॉइंट्स मुझे खुद से आ सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर टू देखते हैं। लेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट दैट इज अ चेज चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री एफ जीरो एन। पहले पॉइंट में आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चार्ज क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आर सिचुएटेड एट अ पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन वेक्टर्स आर जीरो आर वन आर टू एंड आर थ्री, है ना। तो ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। तो जो भी आपको लगे वो आप रिप्रेजेंट कर देना यहाँ पे एक या दो लाइन में, खत्म। सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री और एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए हमने क्या लिखा है, एफ जीरो एन वेक्टर। ओके, सो एफ जीरो वन वेक्टर को कैसे लिखोगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, के की वैल्यू वन, क्यू बिकॉज यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं या फिर एयर कंसिडर कर रहे हैं जिसमें के की वैल्यू वन होती है।
सो क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर वन जीरो स्क्वेयर आर वन जीरो कैप यूनिट वेक्टर प्लस सेकेंड के लिए लिखो क्यू जीरो क्यू टू अपॉन आर टू जीरो स्क्वेयर आर टू जीरो कैप प्लस थर्ड के लिए लिखो क्यू जीरो क्यू थ्री आर थ्री जीरो स्क्वेयर आर थ्री जीरो कैप प्लस अप टू डॉट डॉट क्यू जीरो क्यू एन आर एन जीरो स्क्वेयर आर एन जीरो कैप. तो इसमें कॉमन कौन आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई साहब को कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बचे हुए टर्म्स बचेंगे, है ना. तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आई और समेशन हम यूज कर सकते हैं. तो यूजिंग समेशन सिंबल आई की वैल्यू हम लोग वन से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखो ना क्यू नॉट तो कॉमन है ना, तो क्यू नॉट के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आर वन जीरो आर टू जीरो है तो यहाँ पे वन वन टू थ्री फोर दिख रहा है, यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर दिख रहा है चार्जेस में, तो जहाँ पे वन टू थ्री दिख रहा है वो आई होगा आपका. सो एफ वेक्टर इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन आई की वैल्यू वन से स्टार्ट करोगे अप टू एन तक, क्यू नॉट क्यू आई अपॉन आर आई जीरो स्क्वायर आर आई जीरो कैप. तो ये बन गया मेरा इक्वेशन और ये है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फाइनल आंसर. अभी हम लोग ये देखते हैं यही इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ठीक है. आर आई जीरो कैप की जगह पे आर आई जीरो अपॉन आर आई जीरो, मतलब जो आपके पास यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो आर आई जीरो की जगह पे क्या आएगा, मॉड ऑफ आर जीरो माइनस आर आई वेक्टर, और यहां पे आएगा आर जीरो वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर. तो ये फोर्स का और एक इक्वेशन हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन. एंड इस तरह से आपको कंसेप्ट पढ़ना होता है, जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है आप अपने नोटबुक पे ये सब कॉपी करोगे. अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो बहुत सारे डेरिवेशंस आपके एग्जाम में पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर करते हो तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर के बेस्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है. जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि नहीं, ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है आपने, अगर अर्थ है और कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कहाँ पे भी रखते हो तो हमेशा अर्थ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी. तो ग्रेविटेशन का एक लॉ है एफ इक्वल टू जी टाइम्स एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. तो वहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी. दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी आपने देखी थी. उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे किधर तो अर्थ है और यहाँ पे समवेयर ओवर हियर आई हैव अ ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट जो पॉइंट तक फील किया जा सकता है वो पॉइंट को आपने या वो इफेक्ट को आपने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी उसको बोला जाता है. और एक एग्जांपल देता हूँ इंटेंसिटी के लिए. एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने ऐसा थोड़ा सा फायर ऑन किया है कहाँ पे, तो और फायर के अगर आप बहुत नज़दीक अपना हाथ लेके जाते हो तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा, आपको हीट फील होगी. जैसे आप दूर 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 जाओगे तो आपको हीट फील नहीं होगी. तो जो पॉइंट तक आपको हीट फील हो रही थी हम लोग क्या बोलेंगे, वहां तक उसकी इंटेंसिटी है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही है कि नहीं. दूसरा एग्जांपल, ठीक है, मान लो घर में मम्मी ने कुछ अच्छा खाना बनाया है कि नहीं, और आप बाजू के रूम में बैठे हो, हॉल में बैठे हो या बेडरूम में बैठे हो, वहां तक स्मेल जा रहा है ना, तो खाने की इंटेंसिटी वहां तक थी. मान लो आप बिल्डिंग के नीचे हो या घर के बाहर हो, वहां तक आपको स्मेल नहीं सुनाई दे रहा है मान लो, है ना. घर के अंदर थोड़ा जैसे ही नजदीक आते हो सुनाई ये आप सूंघ पा रहे हो वो चीज को, है कि नहीं, तो स्मेल आ रहा है आपको अच्छा, तो वो चीज आप इंटेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हो. ओके, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए. अभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं. एनीवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे. मान लो मेरे पास चार्ज है, है ना, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस नजदीक लेके आने की कोशिश करो दूर जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस नजदीक लेके आने की कोशिश करो अगेन वो दूर जाएंगे. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे. मतलब क्या हो रहा है, उनका जो सराउंडिंग में जो इफेक्ट है वो फील होना चाहिए, उसके लिए फील्ड का नाम दिया गया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज अराउंड द स्पेस ऑफ अ चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और वो एक्सपीरियंस किया जाता है बाय अदर चार्जेस. सो एनीवेज, हम लोग यहाँ पे अगर ये चीज समझना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक चार्ज है और उसके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो या उसका फील अगर आपको करना है तो किया जा सकता है. तो ये एक बेसिक आइडिया हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. अब ये जो कॉन्सेप्ट था इसकी जो आइडिया थी वो फैराडे जी ने बताई थी.
सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे? अभी यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मैं सोर्स चार्ज बोलूंगा और जब भी मैं टेस्ट चार्ज बोलूंगा ना, तो हमेशा अलर्ट रहना। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? सोर्स चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या कोई भी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला जो भी चार्ज है उसको सोर्स चार्ज बोला जाएगा। एंड टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? सोर्स चार्ज ने, मान लो ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, उसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, इसके इन्फ्लुएंस में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं जिसके ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज, है ना। सो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? इट इफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक जनरल आइडिया तो हो गई, अभी इसके डायग्राम्स भी हमें देखने हैं, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, पहले एक पार्ट निपटा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई भी चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हो चुका है, मान लो यहाँ पे चार्ज है इधर किधर, तो और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा पूरा हम लोग ने ऐसा मान लो स्फीयर बना लिया और एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इट इज सिचुएटेड एट सर्टन डिस्टेंस एक्स, तो ये पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया जा सकता है। फील कौन करेगा? आप और मैं? नो, कोई तो टेस्ट चार्ज लेके आओ, है ना। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, चार्ज के नजदीक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। सेम एग्जांपल, फायर के जैसे नजदीक हो आप, फील ज्यादा होगा गर्मी आपको, लेकिन थोड़ा दूर लेके जाओगे गर्मी कम होगी, है ना। घर में कोई खाना बनाया है मॉम ने अच्छा सा, जरा नजदीक जाओ बहुत अच्छा स्मेल आएगा, है ना, और थोड़ा दूर जाओ इंटेंसिटी कम होगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, सो ई वेक्टर इज एफ अपॉन क्यू नॉट। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के बराबर होती है। अब ये फॉर्मूला को समझ के लेते थोड़ा सा, ठीक है। मेरे पास मान लो कोई तो एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसके नज़दीक हम लोग दूसरा चार्ज लेके आ रहा है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये दोनों का फोर्स हमें पहले कैलकुलेट करना है और डिवाइड करना है हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। अल्टीमेटली जो भी मिलेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट अगर आप देखते हो तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्ब। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी यहाँ पे जो रफली बताया था उसको अगर एक मार्क के लिए मुझे किसी ने पूछा तो मुझे लिखने भी आना चाहिए। तो जब भी लिखने का काम होता है तो वो टाइम पे डायग्राम ड्रॉ करना होता है, डेरिवेशन ड्रॉ करना है, और प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। एनीवेज, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ अपने। हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक सोर्स चार्ज बनाया, है ना। तो क्यू से रिप्रेजेंट किया उसको, कैपिटल क्यू से। एट अ डिस्टेंस आर मेरे पास एक दूसरा चार्ज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमको इफेक्ट देखना है। अब ये क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, ये सारी डायरेक्शंस में होगा। ओके, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, और यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है, अगर ये हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी। एनीवेज, डेरिवेशन पॉइंट नंबर 1। तो डेरिवेशन में जब भी पॉइंट नंबर 1 लिखना होता है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, लेकिन वो कुछ आप स्टोरी लिख रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पर पेपर लिख रहे हो, वैसा नहीं लिखना है। थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वेयर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज सिचुएटेड। वी हैव टू फाइंड द इफेक्ट विच इज जनरेटेड बाय द सोर्स चार्ज। एनीवेज, तो ऐसा कुछ तो एक अच्छा सा पॉइंट लिख दो, खुद के लैंग्वेज में लिखना, सिंपल लिखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होना ही चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको और एग्जामिनर को समझना चाहिए। सेकेंड, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। तो 1/4πε0 सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप, है ना, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इसमें से क्यू नॉट विल गेट कैंसल, तो ई की वैल्यू क्या बचेगी? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। अभी यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम रखा है जिसमें आप स्मॉल के की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हो? 1 कंसिडर कर, इसलिए यहाँ पे 1/4πε0 के की जगह पे के की वैल्यू 1 रखिए, तो के नहीं दिख रहा है आपको वहाँ पे। सो ये हो गई ई की वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। सो ई इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। तो यहाँ पे ये क्यू क्या है हमेशा ध्यान में रखो, ये है सोर्स चार्ज। इसमें मिस्टेक हो गई तो समझ लो न्यूमरिकल गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग दे देता हूं यहां पे, पहले इसको रफ करते। क्या बोल रहे हैं यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये बन गई मेरी हेडिंग। अभी ये दो मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। अभी अगर दो मार्क के लिए आ रहा है तो मुझे डायग्राम लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस है, सोर्स चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn डॉट 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 डॉट, ठीक है। और हम लोग एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं P, और ये पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको हम लोग ने Q0 से रिप्रेजेंट किया है। और ये टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा ये बाकी के चार्जेस की वजह से, वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है, Q1 Q0 के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसको F01 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये जो इंटेंसिटी का इफेक्ट है वो बाकी के चार्जेस के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से इफेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो, मतलब बाकी के चार्जेस इधर है या नहीं है, इससे इसकी जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि सारे चार्जेस नजदीक है, अगर मान लो सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके पहले तो दूर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम की जाती है हमेशा कि यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस की वजह से ये जो दो चार्जेस के ऊपर का इफेक्ट है वो मैटर नहीं करेगा। इक्वली अप्लाइज टू ऑल, Q2 Q0 के ऊपर जो इफेक्ट दे रहा है तो बाकी के चार्जेस की वजह से ये दोनों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये एक वैलिड पॉइंट था। F01 क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकेंड, Q0 थर्ड, Q0 nth, और इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा उससे आप F की वैल्यू निकाल सकते हो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करके। F01 जो भी है उससे आपको E की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली सबसे पहला पॉइंट डेरिवेशन में, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो हम लोग ने ऐसा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया होता ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स रखे होते, इमेजिन करो ना, या फिर लाइन्स रखी होती, या फिर हम लोग ने सरफेस एरिया रखा होता, या फिर कुछ जगह पे वॉल्यूम, कुछ जगह पे एरिया, कुछ जगह पे लेंथ रखी होती। तो वो टाइम पे काम थोड़ा सा करना पड़ता हमें, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ती, नहीं ना यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया तो बच गए। एनीवेज देयरफॉर इज E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, है ना। सो E की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught, पहला चार्ज क्या है मेरा, गलती से यहाँ पे स्मॉल लिखा मैंने, Q1/r10 डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर, r10 कैप। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा Q2, यहाँ पे क्या होगा Q3, यहाँ पे क्या होगा Qn होगा, है ना। सो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, 1/4 pi epsilon naught तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बाकी की चीज़ें आएंगी, जो Q1 Q2 Q3 R10, R20, R30 है ना, जहाँ पे 1, 2, 3 दिख रहा है ना, वहाँ पे I आपको सब्स्टिट करना है। सो E इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n तक है Qi/ri0² ri0 cap। तो ये एक बन गई मेरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये क्या चीज़ है। अभी तक हम लोग ने चार्ज के बारे में देखा, चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है, नेगेटिव टाइप का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब भी चार्ज को स्टडी किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर हमारे पास है तो उसको स्टडी कर पाना और उसके ऊपर के बेस्ड डेरिवेशन सॉल्व करना आसान होता है। तो ये क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती है जो हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़। दूसरी उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ए से बी तक वो जा रही है। सपोज यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेते हैं पी एंड क्यू। तो पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, ईपी वेक्टर। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो सीधा सीधा, तो ये बनेगा ईपी वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट क्यू से भी टेंजेंट ड्रॉ करो ईक्यू वेक्टर। तो ये जो टेंजेंट्स है वो रिस्पेक्टिव ये स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, या फिर इसको लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, ये एक 2 marker क्वेश्चन है और इसके प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज हमें डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो ये डायग्राम्स आप अपने नोटबुक में भी कॉपी करोगे तो 1 by 1 मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप डायग्राम देख के उसको याद भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहली चीज, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है,
तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होती है और वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सरफेस से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे अगर आप नज़दीक वाला पोर्शन देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और जैसे आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, ये स्टार्ट हो सकती है इन्फिनिटी से और ये खत्म हो रही है ऑन द सर्फेस ऑफ अ चार्ज, ठीक है, अंदर तक नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर नहीं होती है, वो हमेशा बाहर ट्रैवल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे भी अगर आप नज़दीक वाला पार्ट देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, और जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसा आपको लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर खत्म होगी, है ना, और यहाँ से स्टार्ट होगी तभी ये एंगल बनाएगी 90 डिग्री, और जब ये खत्म होती है तभी भी एंगल बनाएगी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे नज़दीक वाला पोर्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और जैसे आप दूर जाना स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर मूव हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हो, सपोज ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन टेंजेंट से आपको मिल जाएगी। सो टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो ये डायग्राम किसका है, इट इज अ फिगर दैट इज अ लाइन ऑफ अ फोर्स फॉर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसको ही इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से आगे जाके पढ़ने वाले हैं। मान लो आप सिमिलर टाइप के चार्जेस ले रहे हो, आप मान लो दो चार्जेस ले रहे हो प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, तो वो स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसे होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं प्लस क्यू ऐसा चार्ज लेता हूँ Q1 Q2, और यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो पॉइंट पी अगर सेंटर में, तो देखो ना इक्वली एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे, वो रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता इसमें। सिमिलरली अगर मेरे पास Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो वो स्पेसिफिक केस में पॉइंट P का लोकेशन देखो ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्लस और ये है मेरा प्लस, मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नेचर ऐसा कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एनीवेज और एक पॉइंट देखते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करना है और ऐसा कुछ तो मेरे पास चार्ज अभी यहाँ पे सारे डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है और मुझे बोला गया है ये स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, तो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ठीक है। सो ई इज एन अपॉन ए, A1 रिप्रेजेंट ये एरिया और A2 रिप्रेजेंट सेकेंड का एरिया। N क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्पेसिफिक जोन में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, और N2 में से भी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, ठीक है ना, लेकिन वो तो कॉमन है, लेकिन A1 A2 की वैल्यूज अलग है। तो A1 A2 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R2, तो E1 के लिए लिखेंगे R1 स्क्वायर और सॉलिड एंगल लेना है हमें, यहाँ से सॉलिड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, एंड यहाँ पे R2 स्क्वायर और सॉलिड एंगल लेना है, तो ये E2 के लिए बन गया और ये E1 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने कौन से पॉइंट्स देखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, सो ये कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे खत्म होते हैं। दूसरा, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज लूप, ठीक है। सिंगल चार्ज अगर बॉडी है मेरे पास तो सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और ऊपर जाके इन्फिनिटी तक वो मूव कर सकते हैं, नेगेटिव है तो इन्फिनिटी स्टार्ट होगी, सरफेस तक जाएगी, ठीक है। जहाँ पे क्राउडेड रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी भी कम होगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते तो वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके E1 और E2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में होगा, तो R1 स्क्वायर पहले के लिए और R2 स्क्वायर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, दो मार्कर क्वेश्चन है, हमें ये लिखने आना चाहिए।
अभी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एज अ वेक्टर, ठीक है ना। अभी तक आपने जो भी देखा होगा उसमें एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एरिया को हमें अभी यहाँ पे वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है। वो क्यों करना होता है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई की जा सकती है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, लेकिन कूलम्स लॉ की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए गॉस थ्योरम यूज़ किया जाता है। अभी थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि गॉस थ्योरम यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाइड तरीके में कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं होता तो फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करके हम लोग सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सपोज मेरे पास कोई भी एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो बात होगी वो टू डायमेंशनल फिगर के बारे में बात होगी। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ऐसा एक कोई भी एक पोर्शन है जो एक प्रॉपर हो भी सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या फिर कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ एरिया हो सकता है। तो अगर ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ अ शेप आई एम टॉकिंग अबाउट, एनीवेज, तो ऐसा अगर मेरे पास है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है वो सरफेस के सेंटर से जो बाहर की तरफ जाएगा। एन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। सो अगर हम लोग ये छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं जिसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन कैप डेल्टा एस, है ना। तो एन कैप का जनरल वैल्यू क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है ना। तो डेल्टा एस वेक्टर इज गिवन बाय एन कैप डेल्टा एस। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली अभी तो ये यूनिफॉर्म था, मतलब सब डायमेंशंस इसके परफेक्ट थे, लेंथ सेम था, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। अगर यहाँ पे अगर लेंथ भी कुछ सेम नहीं है और कोई भी एक आर्बिट्री छोटा सा एरिया अगर आप ले रहे हो, तो वो स्पेसिफिक केस में भी डेल्टा इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ से एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया हमने और एक वेक्टर ड्रॉ किया जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एन कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, सो डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू एन कैप इनटू डेल्टा एस। तो ये बन गया मेरा एरिया वेक्टर से रिलेटेड बेसिक डायग्राम। अभी देखते हैं ये है क्या, एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट है इसमें। सो इट इज अ वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पोर्शन आपको लेना होता है। ये कैसे करते हैं हम लोग आगे जब भी गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तभी और अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया आप समझ लो। एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ है, क्लोज्ड है ना। सो डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस। ओके, तो ये हो गया एरिया वेक्टर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स चीज का मतलब क्या है, ठीक है। अभी फ्लक्स चीज को समझने के लिए मान लो आपके घर में एक विंडो है, विंडो को आपने ओपन रखा, तो जैसे आप विंडो ओपन रखते हो तो एयर जो है वो अंदर बाहर करती है। तो जितना विंडो आप ओपन करोगे उतने ही प्रमाण से एयर अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी। अगर विंडो का ओपनिंग बहुत छोटा रखा आपने तो एयर की क्वांटिटी कम होगी, विंडो का ओपनिंग आपने बड़ा रखा एयर ज़्यादा जाएगी, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो वहाँ पे एयर को फ्लक्स के जैसा ट्रीट किया। सिमिलर वे में अगर मेरे पास सपोज एक पाइप है, ठीक है, बड़ा सा पाइप है, और वहाँ पे हम लोग ने मान लो वो पाइप में से पानी निकालने के लिए ऐसा कुछ एक छोटा सा पोर्शन रखा है, तो जितना पोर्शन आप ओपन करते जाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट में पानी नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वाटर एज अ फ्लक्स। तो सिमिलरली अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, और बीच में हम लोग एक इमेजिनरी एरिया कंसिडर करते हैं, तो उसको बोला जाता है वो एक एरिया जो है वो एरिया के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस होगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये था बेसिक आइडिया, डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग लाइक दिस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है समथिंग लाइक दिस, सो ये एरिया एलिमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपके पास एन कैप है और डेल्टा एस वेक्टर है ना, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये अगर एरिया है इसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइंस जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितनी कम जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, है ना। तो मतलब जो अभी मैंने आपको एयर का एग्जाम्पल दिया, अगर एयर स्लो या फिर फास्ट है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि उसका स्पीड वगैरह कितना है, लेकिन अल्टीमेटली अगर बड़ा एरिया रखते हो और बहुत ज़्यादा एयर जा रही है तो हम लोग बोलेंगे एयर की इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, और कम अमाउंट में अगर एयर जा रही है
तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी कम है। अभी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिया, मान लो ऐसा कुछ एंगल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा? तो सेम एरिया एलिमेंट आपने ड्रॉ किया, तो ये एरिया एलिमेंट आप ले रहे हो, ये एरिया एलिमेंट है आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डायरेक्शन बना रहा है, लेट दैट डायरेक्शन इज अ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट है तो ये एन कैप और डीएस वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एन कैप उसका यूनिट वेक्टर है, डीएस ये वेक्टर की बारे में डायरेक्शन हो गई, तो डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया, अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो डिफाइन करने के लिए अगर पूछा एक मार्क के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन भी पूछ लेते हैं और वहां पे गलती होती है। तो एनीवेज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, सो इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग इन दिस एरिया व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया, वन मोर टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया व्हेन वी कंसिडर एन एरिया इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये इमेजिनरी एरिया के अंदर से जाएगी या क्रॉस करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो पॉइंट पे मेजर करता है। तो ये स्पेसिफिक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। देयरफॉर मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके, बिकॉज नंबर रहता ना नंबर्स, तो नंबर्स को कैसे बताओगे, स्केलर क्वांटिटी में ही बताना पड़ेगा। सो फाई इज ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पे 30, 40, 60 जो भी वैल्यू उसके हिसाब से फाई की वैल्यू चेंज होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया को आपने ऐसे रखा है। अभी मान लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी तरफ देख रहा है, तो डेल्टा एस वेक्टर आपकी तरफ अगर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जा रही है लेकिन वो पास होने के लिए कुछ एरिया ही नहीं बचा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू जीरो लेते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लोगे तो फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, फ्लक्स मिनिमम होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी ये 180 डिग्री क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है उसका वो रिप्रेजेंटेशन करता है और कुछ नहीं, ठीक है। एनीवेज पॉइंट नंबर फोर देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन देखो। मान लो मेरे पास सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में अगर हमने एक यूनिफॉर्म ऐसा एक कंसिडर किया एरिया, और अभी हमें ये पूरा टोटल फ्लक्स कितना है वो कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होता है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है जिसको आप डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, और ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो भी बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो हमें ऐसे एन नंबर ऑफ छोटे सर्फेसेस कंसिडर करने पड़ेंगे और उनको अल्जेब्रिकली हमें ऐड करना पड़ेगा, ये पहली मेथड है। सो टोटल फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो समेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर ये करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन में कैसे करोगे, अगर डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, अगर सरफेस टेंड्स टू जीरो अगर आप कंसिडर करते हैं, तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल। देखो ये एस है और ये क्लोज का सिंबल है और इंटीग्रल है, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, है ना। तो ई डी एस कॉस थीटा, क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ अ थीटा, आप थीटा की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डालो, अगर ये स्फेयर है तो डी एस इंटीग्रल डी एस क्या आएगा, 4πr² आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आप ये इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट क्या है फाई का। सो यूनिट ऑफ अ फाई, सो फाइव क्या है, ई डेल्टा एस है ना। तो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, कॉस थीटा। तो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का लिखो पहले m1 l1 t-2, ठीक है, कूलम का क्या होता है at^2 - 1, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। इसको रीअरेंज करो, फाइनल आंसर आएगा m1 l3 t-3 a-1। आई होप सो ये करेक्ट है, m1 l3 t-3 और a-1, यस करेक्ट है। तो ये हो गए यूनिट्स ऑफ अ फाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अभी डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गॉसस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ये क्या चीज है, ठीक है, अभी ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये 3 मार्कर होगा 4 मार्कर होगा जिसमें वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के साथ, अगर नहीं
तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 3 से 4 बार पूरे के पूरे आपके जेब में आ जाएंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो पूछा जाता है, अगर नहीं तो उसके ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। अभी मैंने जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखा है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिखा है, कैसे याद करेंगे, ये बहुत आसान है। मैं आपको जैसे ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, अगेन आपको ये लगेगा कि अरे ये सिंपल है, मेरे दिमाग में ये फिक्स भी हो गया, और ब्रेन आपका प्रोसेस करना भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। एनीवेज, अभी इसको कैसे याद करें या इसको कैसे समझ के ले, मतलब अपने लैंग्वेज में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, और ये एक स्पेस है ना, और सपोज मेरे पास एक चार्ज है, सपोज ये जो मार्कर का ऊपर वाला जो छोटा सा पॉइंट है वो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो ये अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, है कि नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब चार्ज के सर्फेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें फ्लक्स यूज़ करना होता है। अब ये फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। फ्लक्स मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है और वहाँ पर आप एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, उसको बोलेंगे हम फ्लक्स। तो अभी ये फ्लक्स का अगेन यूटिलाइजेशन करके हम एक रिलेशन बनाना है, और एक गॉस थ्योरम यूज करने के बाद वेरियस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप कूलम्स का फोर्स यूज कर सकते हैं ना, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन कभी कभी डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए ही गॉस ने बहुत पढ़ाई किया था, उन्होंने अपना रिसर्च सामने रखा, और ये थ्योरम यूटिलाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज फटाफट निकाली जा सकती है कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे करें। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। अभी हमें क्या करना होता है, हमें एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना होता है। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमें एक डिस्टेंस कंसिडर करना है। मान लो वो चार्ज जहाँ पे मेरे पास है वहाँ से एक डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है, लेट दैट डिस्टेंस इज आर। तो वो डिस्टेंस आर हम लोग सारी लाइंस के लिए कंसिडर करेंगे, और वहाँ पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ वो चार्ज को कवर करने वाला, तो वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, सही है या गलत है। सर्कल नहीं होगा, स्फीयर होगा। क्यों, बिकॉज हम लोग थ्री डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे, जिसको आप कवर कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल फीचर या जो यूज कर सकते हो आप, तो वो होगा एक स्फीयर। एनीवेज, तो वो स्फीयर यूज करना है हमें। तो ये बन गई मेरी एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो यूटिलाइज करके हमें फाइनल आंसर तक प्रोसीड करना है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्टेटमेंट कैसे याद करें, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप याद करने की कोशिश करो, जैसे ही मैं डायग्रामेटिक पार्ट बोलूंगा तो वो अल्टीमेटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड्स के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, मैंने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है। तो कैसा होगा, आप भी मेरे साथ बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस, बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्विवेलेंट टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सिंपल था, देखो ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो ये बन गया एक सिंपल सा डेफिनेशन, है ना। और मैथमेटिकली फाई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू q/ε0, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये तो ठीक है, ये थोड़े टाइम के बाद भी आपको याद हो जाएगा, पहले तो हम लोग ने स्टेटमेंट देखा। अभी देखते हैं डायग्रामेटिक पार्ट, क्योंकि हमें प्रूफ देखना है। मान लो अभी मैंने जो बोला था वैसा ही आपके पास एक चार्ज है, वो चार्ज को हमने बोला है प्लस क्यू, है ना। अभी ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, किधर किधर जनरेट करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो होगा वो चार्ज के सर्फेस के ऊपर से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जा सकता है। हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करना है, एंड दिस पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है ना। तो जीरो या ओरिजिन से पॉइंट पी पे ये सिचुएटेड है। अभी हमें क्या करना है, यहां से एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारे चार्ज, ये जो चार्ज है मेरे पास उसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करे, तो सर्टनली हम लोग बनाएंगे स्फेयर। तो हम लोग ने स्फेयर बना दिया। एनीवेज, अभी ये जो स्फेयर हम लोग ने बनाया है उसका एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं हम लोग, जहां पे पॉइंट पी है, तो एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं एरिया, है ना। तो एरिया को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, बाहर की तरफ था, वहां पे ही हम लोग एरिया वेक्टर बना रहे हैं ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही। तो मेरे पास ई वेक्टर है, मेरे पास डीएस वेक्टर है, डीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया,
ओके तो अभी देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। अभी देखते हैं कि ये यूज करके हम लोग डेरिवेशन तक कैसे फॉलो कर सकते हैं और एंड वाले आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, लेट देयर एग्जिस्ट आइसोलेटेड चार्ज प्लस क्यू इच सिचुएटेड एट ओ, सो वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल इन्फाइनाइटेसिमल एरिया, स्मॉल या फिर इन्फाइनाइटेसिमल एरिया डी एस विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। तो ये बन गया मेरा पहला पॉइंट, अपने लैंग्वेज में लिखना आपको आना चाहिए अभी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ई वेक्टर की वैल्यू आप सरफेस के ऊपर निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या होगी? ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी स्मॉल एरिया है हमारे पास, सो लेट स्मॉल एलिमेंट एरिया डी एस वेक्टर एट पॉइंट पी। तो ये डी एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप, और एन कैट का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज नॉर्मल टू डी एस वेक्टर, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप एक एरिया कंसिडर करते हो, छोटा सा एरिया है आपके पास, तो वह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी एस को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये आपकी डी एस वेक्टर की डायरेक्शन ये है एन कैप, और ये जो सिंपल डी एस है उसके परपेंडिकुलर में है। एनीवेज नॉर्मल टू डी एस नॉट डी एस वेक्टर। ओके सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा एरिया है इसलिए, सो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये बन गया मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? रिस्पेक्टिव ई और डी एस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ई की वैल्यू क्या है? अभी अभी हमें ई की वैल्यू मिली है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और डी एस वेक्टर की जगह पे हम लोग लिखेंगे डी एस एन कैप। तो ये लिख दिया हमने, ओके तो यहाँ पे मुझे आर कैप डॉट एन कैप ऐसा कुछ मिल रहा है। सो आर कैप डॉट एन कैप अगर आप दोनों भी देखते हो तो आर कैप की डायरेक्शन भी वही है, एन कैप की डायरेक्शन भी वही है। तो दो वेक्टर से एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग वन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू वन। तो अभी क्या बचेगा? डी फाई ई, दैट इज छोटा सा जो फ्लक्स हमें मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी एस। तो ये स्मॉल फ्लक्स मिला, लेकिन स्मॉल फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है? टोटल स्फीयर के लिए फ्लक्स निकालना है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डी फाई है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, सो फाई इज इक्वल टू क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ओके यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच में एंगल देखते हो तो सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। सो फाई क्लोज सर्फेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, और कॉस थीटा की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1 सब्स्टिट्यूट किया। एनीवेज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं या बाजू में लेते हैं, और यहाँ पे हमें ये जो डी एस है उसका पूरा सरफेस लेना है। तो यहाँ पे स्फेयर है, तो स्फेयर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। सो फाई ई की वैल्यू किसके बराबर बची? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बची। तो देखो ना, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड By a closed surface due to certain charge is 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface, है ना। मतलब अभी जो स्टेटमेंट थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि सुन लो, अभी आपके दिमाग में फिक्स हो गया क्योंकि आंसर हमारे पास है। सो यहाँ पे अगर फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, सो phi is closed surface integral E vector dot ds vector equal to q upon epsilon naught, और ये क्या है? It proves Gauss theorem, है ना। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से लिखा है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद एक फाइनल आंसर आया और वही हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं। अभी मान लो मेरे पास ये जो स्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, 1, 2, 3, 4, 10, 15 एन नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ चार्जेस है और टोटल फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करो, सेकंड की वजह से होगा उसको कैलकुलेट करो, और एंथ चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करो, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके ऐड करना है। सो फाई ई वन प्लस फाई ई टू अप टू फाई ई एन। सो फर्स्ट चार्ज की वजह से क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अप टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप में से कोई होशियार बच्चा होगा तो वो सवाल पूछेगा, सर अगर यहाँ पे इसके बाजू में ही दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, एंथ चार्ज है, तो ये सारे चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा या आंसर चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे एक अजम्पशन है। हमें अजम्पशन क्या कंसिडर करना है? अगर आप चार्ज कंसिडर करते हो, मान लो ये चार्ज कंसिडर किया, तो ये इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, उसके ऊपर आजू बाजू के जितने भी चार्जेस है उनके प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये जो सिस्टम है वो कांस्टेंट या फिर वो अजम्पशन होता है, वो यूटिलाइज करके आपको बाजू के चार्जेस को नेगलेक्ट करना है। सिमिलरली अगर ये चार्ज आपने कंसिडर किया तो इसके वजह से जो फ्लक्स होगा
उसका आंसर इसके जो नेबरिंग चार्जेस अगर है या नहीं है उसके वजह से अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपना आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। सो फाइ इज इक्वल्स टू वन अपर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, और क्यू वन क्यू टू क्यू एन ये क्या होगा, अलजबरी का एक सम मिल रहा है हमें, तो समेशन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं I की वैल्यू 1 से लेके n तक लो q i, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो phi e इज टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनीवेज नोट देखो यहाँ पे, सो phi e इज इक्वल टू q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे हम लोग अगर वैक्यूम में कंसिडर करेंगे तो k की वैल्यू अल्टीमेटली 1 आएगी, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा वैक्यूम ही मिले आपको, अगर कोई एक मीडियम होगा, हाँ ना, ये चार्ज को अगर आपने कहाँ पे रखा तो फिर वो स्पेसिफिक केस में k की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। सो q अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, सो q अपॉन एप्सिलॉन, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपको मिलेगा, नोट आप याद कर लेना। नेक्स्ट, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेटली जीरो होगी, है ना। सो इफ चार्ज इज जीरो देन फ्लक्स की वैल्यू होगी आपकी। अभी देखते हैं नोट का पार्ट। ये नोट का पार्ट मैंने जानबूझ के एंड में रखा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको नोट का पार्ट में बता देता तो शायद आपको वो समझता नहीं था उतना इफेक्टिवली, आप वो पकड़ नहीं पाते। तो यहां पे देखो नोट का पहला पॉइंट, चार्ज इनसाइड द गॉशियन सरफेस कैन बी अ पॉइंट चार्ज और इट कैन बी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर आप गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज ले रहे हो तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं या फिर कंटिन्यूस हो सकते हैं, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो। एक लेंथ के ऊपर चार्ज हो सकता है, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज हो सकता है, तभी भी गॉशियन सरफेस यूज करके फ्लक्स को निकाला जा सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। तो जो गॉशियन सर्फेस है उसके बाहर के चार्जेस आपको नहीं लेने हैं जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो। पॉइंट नंबर थ्री, लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन द टोटल फ्लक्स, है ना। मतलब गॉशियन सरफेस के अंदर जहां पे भी चार्ज है आपका तो उसके लोकेशन की वजह से जो टोटल फ्लक्स है उसका आंसर चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड चार्ज ऑन अ गॉशियन सरफेस। तो गॉशियन सरफेस के ऊपर जो भी चार्जेस है वो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो ये है चार पॉइंट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा गॉसियस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले क्या यूज किया, स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो फाइव ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद हम लोग ने नोट देखा, नोट में कितने पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स है। प्रूफ है, प्रूफ के अंदर सबसे पहले डायग्राम देखा, डायग्राम हम लोग ने एक सिंगल चार्ज के लिए बनाया, लेकिन आप मल्टीपल चार्जेस के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे ई वेक्टर है, डी एस वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद एक छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट किया जिसको आप डी फाई ई बोल रहे हो। टोटल फ्लक्स के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद आपको फाइनल आंसर मिला जिसको आप 5e बोल रहे हो, which is equals to again the Gauss theorem का value। अगर n number of charges लेते हो तो आपको क्या करना है, individual charge की वजह से जो flux हो रहा है वो calculate करना है, और उसके बाद summation का symbol use करके आपको final answer तक पहुंचना है। end में आपने क्या देखा, एक note देखा, अगर कोई भी charge नहीं है तो 5e की value क्या होगी, zero होगी। I hope Gauss theorem आपको best way में समझा है। अगर exam में 3 या 4 mark के लिए question आता है तो पूरा का पूरा आप लिख सकते हो।